Assalamualaikum and good morning students. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are fine. आप अपने से के हेल्थ की केयर कर रहे होंगे और वीडियोस भी वॉच कर रहे होंगे और CW भी कंप्लीट कर रहे होंगे. Now student, in the this chapter number 12, हमने क्या पढ़ा था? Plants around us. अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो ना, कितनी सारी ग्रीनरी है, कितने सारे ट्रीज हैं, बड़े हैं, स्मॉल ट्रीज हैं, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था ना आपको. मैंने क्या क्या पढ़ाया था याद है आपको? वी हैव रीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्लांट के हमने पार्ट्स पढ़े थे. क्या क्या थे वो पार्ट्स? लीफ थे. लीफ कहाँ पे है आप देख सकते हो इस ट्री में, आपको दिख रहा है. ये देखो आप यहाँ पे, ये क्या है? इस ट्री के लीव्स हैं. इसका कलर कौन सा है? इट इज ऑफ ग्रीन कलर. कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है. अब ये क्या है स्टूडेंट, कैन यू टेल मी? आपको याद है मैंने इसको क्या बताया था आपको? यस, वेरी गुड. इट इज अ ब्रांच. इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांचेस बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन वॉज, अगला क्या था? फ्लावर्स. फ्लावर्स तो आप सबको पता है ना, आप गार्डन जाते हो तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. इस ट्री में फ्लावर्स नहीं है क्योंकि अभी सीजन नहीं है फ्लावर्स का, तो इसमें फ्लावर्स नहीं है, पर आपको फ्लावर्स के बारे में अच्छे से पता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रूट. फ्रूट तो आपको पता ही है, आप खाते हो ना सीजन के फ्रूट्स, तो वो फ्रूट्स वो होते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेम. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है? इसकी स्टेम है. पर हमने लास्ट फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? मैंने जो आपको स्टेम दिखाई थी वो बहुत पतली थी, थिन थी वो. क्यों? क्योंकि वो छोटे प्लांट की थी. अभी ये प्लांट थोड़ा बड़ा है तो इसकी जो स्टेम है वो बड़ी है, मोटी है. इसकी स्टेम थोड़ी मोटी है, पर अभी हम बिग ट्रीज का पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो जो स्टेम होगी वो बहुत मोटी दिखेगी. दैट वी विल डिस्कस इन द पार्ट टू. हम उसको पार्ट टू में डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल, आई एम गोइंग टू शो यू द ट्री. यस स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द प्लांट वॉज, हमने पार्ट का लास्ट पार्ट क्या पढ़ा था? दैट वॉज द रूट्स. रूट्स के बारे में पढ़ा था. अब मैं आपको क्या दिखाती हूँ? रूट्स दिखाती हूँ. यू कैन सी, देखो आप, ये रूट्स हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना, ये क्या है? रूट्स हैं. और ये कहाँ होते हैं? सॉइल के अंदर होते हैं. अभी इसके नीचे ये देख सकते हो आप, अंदर इसमें सॉइल है, इसलिए ये रूट्स के सपोर्ट के साथ में ट्री खड़ा हुआ है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल एंड बिग प्लांट. दैट इज पार्ट नंबर टू. यस स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 61. टुडे वी विल गोइंग टू रीड अबाउट बिग एंड स्मॉल प्लांट्स. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिग और स्मॉल प्लांट्स. बिग मतलब बड़े और स्मॉल मतलब छोटे. नाउ सम प्लांट्स आर बिग वाइल सम आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं. और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं. आपने देखा है ना, जब आप गार्डन में जाते हो वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ट्रीज जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? बिग प्लांट्स बोलते हैं. और कुछ जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? स्मॉल प्लांट्स बोलते हैं. Now we will read about big plants. Trees are big and strong. They have thick woody stems called trunks. Some trees also bear flowers and fruits. Now their trees are big. Now I will show you in the video how the big trees are. Big trees कैसी होती हैं, उसके trunk किसको बोलते हैं, उसकी woody stem कैसे मोटी होती है और उसको हम trunk बोलते हैं, और कुछ जो ट्रीज होते हैं उनके में फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं. सो आई विल शो यू इन द वीडियो. यस स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दिस इज अ बिग ट्री. कौन सी ट्री है ये? ये बड़ी ट्री है. इसको हम ट्री बोलते हैं, प्लांट नहीं बोलेंगे. ये बड़ी हो गई है इसलिए इसको ट्रीज बोलते हैं. इसमें देख सकते हो आप कितने सारे इसमें लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, ये सब इसमें ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये बड़ा पेड़ है तो इसको ट्री बोला जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रंक. अभी आप देख सकते हो इसका जो ये स्टेम है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था ना, स्टेम वो छोटे छोटे थे. अभी ये थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा ठीक हुआ है, तो अभी भी हम इसको स्टेम ही बोलेंगे. पर जब बहुत बड़ा ट्री हो जाता है तो उसका जो नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या बन जाता है? ट्रंक बन जाता है. दैट आई विल शो यू नाउ. नाउ स्टूडेंट सी, ये क्या है? अब आप देख रहे हो पहले वाला जो ट्री मैंने आपको दिखाया था उसका जो ट्रंक था वो इतना ऐसा था, इतना थिन था, इतना मोटा था. पर अभी आप देखो ये जो ट्रंक का ये पार्ट है वो कितना मोटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थिक पार्ट. थिक एंड वुडी मतलब इसमें पूरे में लकड़ी है, बहुत मोटा है और ये थिक पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड अ ट्रंक. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रंक? TRUNK.
अब आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट कि जो बड़ी ट्री होती है उसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रंक बोलते हैं, और जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्टेम। नाउ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्टेम, STEM, स्टेम, एंड द थिक पार्ट, मोटा पार्ट जो ट्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रंक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल प्लांट्स, अब हम छोटे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। यस स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन सी, आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में बिग ट्री के कौन से एग्जाम्पल दिए हैं गए हैं, कोकोनट ट्री और बनियन ट्री। ऐसे और भी ट्रीज होते हैं जो कि बिग ट्रीज कहलाते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने लाइव एग्जाम्पल दिखाया आपको, अभी ये आपके टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। नाउ वी विल गो फॉर द स्मॉल प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स आर नॉट वेरी टॉल। नाउ अभी स्मॉल प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। अब वो क्या नाम है, श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स, HERBS, हर्ब्स, CLIMBERS, क्लिम्बर्स। नाउ दिस इज क्रीपर्स, CREPERS, क्रीपर। नाउ स्टूडेंट्स आई विल शो यू द लाइव ऑफ, मतलब मैं आपको इनके जो श्रब्स होते हैं ना, जो श्रब्स किन पेड़ों को बोला जाता है, हर्ब्स किन को बोला जाता है, क्लिम्बर्स किसको बोलते हैं और क्रीपर्स, इनका मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। जैसे अभी मैंने आपको ट्री दिखाया था, बिग ट्री दिखाया था, वैसे ही इनके अब स्मॉल ट्रीज का भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट सी, दिस इज श्रब्स, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ श्रब्स, SHRUBS, प्लांट्स स्मॉलर देन ट्रीज आर कॉल्ड श्रब्स। अभी जो इस क्या पढ़ेंगे, अभी हम श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, पर अभी बता देती हूँ कि प्लांट्स जो ट्रीज से छोटे होते हैं वो श्रब्स कहलाते हैं। ट्रीज क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, और श्रब्स जो होते हैं वो उससे छोटे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन, वी विल सी द लाइव पिक्चर ऑफ श्रब्स। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गोइंग टू रीड अबाउट द श्रब्स। मैं आपको किस क्या दिखा रही हूँ, श्रब्स दिखा रही हूँ। श्रब्स क्या होते हैं, जो ट्री से छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम श्रब्स बोलते हैं। इधर आप देख सकते हो ये क्या है, ये जितने भी छोटे छोटे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये श्रब्स हैं। और ये काइस किससे छोटे हैं, ट्री से छोटे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो ये यहाँ पे ट्री है, और ये ट्री के नीचे जो स्मॉल प्लांट्स हैं इसको हम श्रब्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिड यू गॉट, आपको समझ में आया ना, बड़े प्लांट को क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, इनको हम श्रब्स बोलते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 62, हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको श्रब्स जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट इज रोज, सेकेंड इज चाइना रोज, एंड थर्ड इज बासिल। सम कॉमन श्रब्स आर रोज, चाइना रोज, कॉटन, बासिल दैट इज तुलसी, एंड हिना दैट इज मेहंदी। अभी जो कॉमन श्रब्स होते हैं, मतलब जो हमें हमेशा देखने के लिए मिल सकते हैं, वो कौन से होते हैं, रोज़। रोज़ आपने देखे, आपको हमेशा ही मिल जाते हैं देखने के लिए, एंड यू नो वेरी वेल रोज़ किसको बोला जाता है, आपको अच्छे से पता है। दिस इज़ चाइना रोज़। चाइना रोज़ में कभी वो भी आप कभी रोड पे कहीं जाते रहोगे, ट्रैवल करोगे, तो रास्ते में आपको वो लगे हुए दिखेंगे। यस स्टूडेंट, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ चाइना रोज़। नाउ हियर यू कैन सी, आप देख सकते हो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, फिर इसको देखो आप, ये चाइना रोज़ के जैसा ही दिख रहा है, पर इसके अंदर के जो सैपलिंग्स होते हैं ना, अंदर जो लंबे लंबे इसमें से निकल के आते हैं, वो इसमें नहीं है। तो मैं जस्ट इसी के जैसे वो सेम दिखता है, मैंने आपको आपको समझ में आ जाए बराबर, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड एग्जाम्पल इज बासिल, दैट इज कॉल्ड तुलसी। तुलसी आपने सुना है ना, कभी भी सर्दी खांसी होती है तो मम्मी क्या बोलती है, चलो तुलसी की चाय पी लेते हैं तो उससे अच्छा हो जाएगा। तो तुलसी का क्या काम है, वो एज ए मेडिसिन, दवाइयों के काम में आती है, दवाई बनाने में तुलसी और नीम। अभी हमको यहाँ पे क्या दिया गया, नीम इज अ ट्री, नीम जो है वो ट्री होता है, और तुलसी क्या है, इट इज अ श्रब। तो ये किस काम में आती है, ये दवाई बनाने के काम में आती है। नाउ वी विल मूव टू द हर्ब्स, मैं आपको अब हर्ब्स के बारे में बताऊंगी। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज हर्ब्स,
H-E-R-B-S, herbs. Herbs are plants which are smaller than shrubs. Mint, grass and wheat are some examples of herbs. Now, herbs are small plants. अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? Shrubs पढ़ा था. तो shrubs किससे छोटे थे? Trees से छोटे होते हैं. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? Herbs. अब herbs जो होते हैं वो श्रब से भी छोटे होते हैं. मतलब गार्डन में जो आप सबसे छोटे प्लांट्स देखते हो ना, जो छोटे छोटे बिल्कुल पेड़ निकले होते हैं, घास होती है, वो क्या कहलाती है? उसको हम हर्ब्स बोलते हैं. अभी आप अपनी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल देख सकते हो, मिंट, ग्रास और वीट. नाउ आई विल शो यू द लाइव. अभी मैं आपको ग्रास दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसको हर्ब्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन, वी विल सी द हर्ब्स नाउ. Yes, students. Now you can see what is this? This is a grass. क्या है ये? ये grass है और इसको क्या बोलते हैं? ये herbs बोला जाता है इसको. अभी हमने क्या देखा था? Shrubs देखा था. Shrubs इससे इतने बड़े होते हैं, वो इतना बड़ा होता है. और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ा tree है. देखो ये tree है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये big plant है. और shrubs इससे छोटे होते हैं, जो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको shrubs बोला जाता है. और ये क्या है? This is grass. This is herbs. इसको हम herbs बोलते हैं. This is there in your textbook. आपकी textbook में ये example दिया हुआ है. This I have shown you. Now you have understand. आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया ना? इसको क्या बोलते हैं? What it is called? आप मेरे पीछे एक बार बोलो, इसको repeat करो. This is called a grass. What is the spelling of grass? G-R-A-S-S. Grass. Now we will go for the climbers. Yes, students. अभी हमने क्या देखा? हर्ब्स के क्या देखे थे हमने? ग्रास देखे. मैंने आपको दिखाया ना, वो इसका एग्जाम्पल था, हर्ब्स का एग्जाम्पल था. फिर ये क्या है? ये वीट है. वीट आपको पता है, गेहूं. अभी आप इसका क्या खाते हो? गेहूं से क्या बनता है? रोटी बनती है. यस, पहले हम गेहूं को कहाँ ले जाते हैं पिसवाने के लिए? चक्की में लेके जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी मम्मी रोटी बना के आपको खिलाती है. सो दिस इज अ वीट प्लांट. ये गेहूं का प्लांट है और इसको भी हर्ब कहा जाता है. Now what is this? This is a mint. Mint आपको पता है, आपके घर में maximum use होता है. हमेशा मम्मी उसको कोई भी सब्जी बनाती है या सालन बनाती है या आप चिकन मटन जो खाते हो ना, उसमें ये क्या डलता है? मिंट. उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुदीना बोला जाता है. आपको याद आया? आपने देखा है ना, मम्मी उसको हमेशा फ्रिज में रखती है और वेजिटेबल ग्रोसर आता है तो उससे खरीदती है. सो और ये हमें क्यों डालते हैं हम इसको? क्योंकि ये हमारे उसमें खाने में टेस्ट को बढ़ा देता है. एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अवर हेल्थ. हमारी हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है. नाउ वी विल गो फॉरवर्ड फॉर द क्लिम्बर्स. अब मैं आपको क्लिम्बर्स का पढ़ के बताऊंगी, फिर उसका भी आपको वीडियो लाइव दिखाऊंगी. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 63. नाउ व्हाट इज देयर? इट इज़ अ क्लिम्बर्स. C-L-I-M-B-E-R-S. This is climbers. Some plants climb on the walls or other plants for support. They are called climbers. Grapevine and money plant are some examples of climbers. Now we are going to read about the climbers. अब हम climbers देखेंगे. Climbers क्या होते हैं? जो प्लांट्स वॉल्स का सपोर्ट लेते हैं. आपने देखा होगा ना कई बार आपके आसपास सराउंडिंग में कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना वो वॉल का सपोर्ट. नाउ क्लिम्बर्स क्या होते हैं? जो वॉल का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं. आपने देखा होगा आपके आसपास के सराउंडिंग में कि कुछ पेड़ होते हैं वो वॉल्स का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्लिम्बर्स बोलते हैं. अभी क्लिम्बर्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? ग्रेपवाइन. ग्रेपवाइन आपको मालूम है किसको बोलते हैं? यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज ग्रेपवाइन. जो हम अंगूर खाते हैं ना उसको ग्रेपवाइन बोलते हैं. उसका ट्री नहीं होता, उसके जो ट्री होता है वो बहुत पतला होता है और वो उसका जो ग्रेप्स का सपोर्ट नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है? वॉल का सपोर्ट लेके बड़ा होता है और उसमें ऐसे ग्रेप्स लगते हैं. नाउ द अदर एग्जांपल यू कैन सी हियर, मनी प्लांट. आपने देखा होगा घरों में मनी प्लांट लगाती है मम्मी, तो उसको क्या करती है? या तो विंडो का सपोर्ट दे देती है या फिर उसको जो आयरन की जाली होती है आपके घर में लॉबीज़ में, उसके सपोर्ट से मनी प्लांट को खड़ा कर देती है. और मनी प्लांट में देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो ना बीच में एक स्टिक लगी है. ऐसे ही घर पे भी जब हम मनी प्लांट लगाते हैं तो
तो पॉट के अंदर पहले उसको स्टिक के सपोर्ट से खड़ा कर दें, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होके कोई भी घर की किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके बढ़ने लग जाता है। नाउ द अदर एग्जांपल इज पी प्लांट। पी प्लांट आपको मालूम है, इसकी मम्मी सब्जी बनाती है ना घर में पीस की, इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और इसको भूंज के किसी भी तरीके से इसको हम खा सकते हैं। इसका भी प्लांट कैसा होता है, वीक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स बोलते हैं। और इसको हम ये भी क्या है, दीवार का सपोर्ट लेके बड़ा होता है, या जो फार्मर होते हैं जो इसको ग्रो करते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्टिक का सपोर्ट देके उसको खड़ा करते हैं। नाउ आई विल शो यू द लाइव एग्जांपल। मैं आपको इसका क्लिम्बर्स का भी वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे वो दीवार का या नेट का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस, दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्लिम्बर। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है ना टेक्स्ट बुक में, वो नहीं है ये, पर ये एक टाइप का क्लिम्बर है। देखो आप देख सकते हो ना, ये देखो ये जाली के सपोर्ट से वायर, देखो ये वायर्स दिख रहे हैं, ये वायर के सपोर्ट से ये ऊपर करे गए हैं। ये इनके लिए एक मोटा सा आयरन का रॉड भी लगा दिया है जिसके सपोर्ट से ये ऊपर आ रहे हैं। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड क्लिपर्स किसको बोला जाता है, क्लिम्बर्स क्या है। ये आपको एक तरीके का मैंने क्लिम्बर दिखाया है। नाउ यू हैव ऑल अंडरस्टैंड नाइसली कि क्लिम्बर क्या होता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, वी हैव रीड अबाउट द ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड क्लिम्बर्स। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द क्रीपर्स। क्रीपर्स मैं आपको टेक्स्ट बुक में रीड करके बताती हूँ, फिर आपको उसके एग्जाम्पल्स बताऊँ। नाउ दिस इज क्रीपर्स। वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ क्रीपर्स, सी आर डबल ई पी ई आर एस, क्रीपर्स। सम प्लांट्स क्रॉल अलोंग द सर्फेस, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। अभी कुछ कुछ प्लांट्स जो ज़मीन में क्रॉल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। कैसे क्रॉल करते हैं, जैसे स्नेक क्रॉल करता है ना, या लिजर्ड क्रॉल करके जाती है, उस टाइप से वो ज़मीन पे रेंग के, मतलब क्रॉल करके वो बड़े होते हैं। अभी आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कौन सा प्लांट है, ये पम्पकिन प्लांट है और ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन आपको मालूम है ना, आप खाते हो ना गर्मी के सीज़न में, समर सीज़न में हम इसको खाते हैं ना, ये कितना बड़ा है देखो। पर ये होता कहाँ पे है, ये ज़मीन में ही होता है, क्योंकि इसका जो पेड़ होता है वो बहुत वीक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। वो अपने फ्रूट का वज़न नहीं सह सकता, इसीलिए वो ज़मीन में ही बड़े होते हैं। और पम्पकिन भी ऐसा ही है, वो भी अपने उसका जो ट्री होता है, जो पम्पकिन का ट्री होता है, वो उसका भार नहीं उठा सकता है, तो वो ज़मीन में क्रॉल हो के ही बड़ा होता है, उसको कोई सपोर्ट भी नहीं लेता, वो ज़मीन में ही बड़ा होता है और उसका फ्रूट भी ज़मीन में ही बड़ा हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, अप टिल हियर वी हैव रीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग एंड स्मॉल प्लांट्स। Yes students, now this was the end of the part 2. Hope you all have understand. आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, वी हैव रीड अबाउट द बिग प्लांट। वॉट इज कॉल्ड द बिग प्लांट, दैट इज कॉल्ड द ट्रीज। ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, बिग प्लांट बोलते हैं। आपको पीछे देखो दिख भी रहा होगा, बिग प्लांट्स दिख रहे होंगे आपको। आफ्टर दैट वी हैव रीड अबाउट द स्मॉल प्लांट्स। हमने किसके बारे में पढ़ा, स्मॉल प्लांट्स। आप देख सकते हो ये स्मॉल प्लांट है क्योंकि ये ट्रीज से छोटे हैं। अब हमने स्मॉल प्लांट्स में क्या क्या पढ़ा था, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। अभी जो श्रब्स होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं वो श्रब्स से छोटे होते हैं, क्लिम्बर्स वॉल का सपोर्ट लेके बड़े होते हैं, और जो क्रीपर्स होते हैं ज़मीन में ही बड़े होते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ योर चैप्टर। होप यू ऑल आर फाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।